आज हम लोग इस वीडियो में नाभिक का घनत्व समझते हैं, नाभिक का घनत्व ज्ञात करना सीखते हैं। नाभिक का घनत्व तो हम लोग जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यदि कोई नाभिक है जिसमें जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिलाकर न्यूक्लियन कहा जाता है। यदि हम किसी एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान स्मॉल एम ले लें तो रो बराबर हो जाएगा, यानी कि नाभिक का कुल द्रव्यमान हो जाएगा, सॉरी कैपिटल एम बराबर हो जाएगा। और जो नाभिक का आयतन होता है वह 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होता है, और कैपिटल आर का अगर मान रखें, कैपिटल आर बराबर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। तो इस तरह से अगर आयतन निकालेंगे तो आ जाएगा 4/3 पाई, और इसका क्यूब हो जाएगा तो आर नॉट क्यूब आ जाएगा और इंटू ए। तो इस आधार पर अगर रो निकालें तो रो बराबर आ जाएगा एम इंटू ए अपॉन 4/3 पाई और आर नॉट क्यूब इंटू ए कट जाएगा। तो इस तरह से जो घनत्व आता है वह m/m 3m/4πr0³, अर्थात जो नाभिक का घनत्व होता है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। अब यदि हम इसकी वैल्यू रखें तो रो बराबर आ जाएगा 3 × ये किसी भी न्यूक्लियन का द्रव्यमान है तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान लगभग 1.67 × 10⁻²⁷ kg होता है, और अपॉन 4 × 3.14 हो जाएगा, इंटू आर नाट का मान 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर फुट का होता है, तो इसका क्यूब हो जाएगा और ये लगभग लो बराबर आ जाता है 2 × 10⁻¹⁷ kg पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार नाभिक का जो घनत्व होता है लगभग 2 × 10⁻¹⁷ kg पर मीटर क्यूब होता है, जो कि पानी के घनत्व का 10⁻¹⁴ गुना होता है। तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग नाभिक का घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग इसी में पढ़ते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तथा U के तुल्य, U को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक U के तुल्य ऊर्जा। तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने अपने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से ये बताया अपेक्षिता के सिद्धांत से कि जब द्रव्य नष्ट होता है तो ऊर्जा में बदल जाता है, और जब ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा अवशोषित होती है तो द्रव्य का निर्माण होता है। यदि द्रव्यमान डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति हो तो जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ सी प्रकाश की चाल है, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये फार्मूला लगाया जाता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है आइंस्टाइन का। अब यदि हम एक यू के तुल्य ऊर्जा निकालना चाहें तो एक यू बराबर हम लोगों ने पढ़ा था 1.66 × 10⁻²⁷ kg, इसको अगर यहाँ पर हम रख दें तो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा डेल्टा एम 1.66 × 10⁻²⁷ और 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा 1.66 × 10⁻²⁷ × 9 × 10⁻¹⁶, और इसका जब गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54, फिर 59 हो जाएगा, 9 आ जाएगा और 9 × 9 = 14.94 × 10⁻¹⁶. और यदि इसको दशमलव को ऊपर ले आए तो 1.4944 × 10⁻¹⁶ ये एक के तुल्य ऊर्जा होती है एक यू बराबर। और जब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहें तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से भाग दे देंगे
तो एक यू की तुल्य ऊर्जा हो जाएगी 1.494 इंटू 10 की पावर माइनस टेन है अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 दिया जाता है 0.963931 इंटू 10 की पावर क्या जाएगा 9+3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। और यदि हम इसका दशमलव हटाना चाहें तो 3 पावर कम हो जाएगी तो यह जाएगा 1U = 931 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यम लिखते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन मिलियन बोला जाता है तो 1U = हो जाएगा 931 MeV। तो एक यू के तुल्य ऊर्जा निकल आती है। तो इस तरह फार्मूले से हम लोग एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा के यानी 1U के बराबर ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण तो नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उनके आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण किया जाता है जिनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो पहला वर्गीकरण है समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। समस्थानिक या कह लीजिए समप्रोटॉनिक। तो समप्रोटॉनिक भी नाभिक होते हैं समस्थानिक भी नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे नाभिकों को समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिक में जैसे आ जाता है हाइड्रोजन के हैं 1H1, 1H2, 1H3 ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। इसी तरह से कार्बन का समस्थानिक 6C12 और 6C14 होता है। ऑक्सीजन का 8O16 और 8O17 ये समस्थानिक होते हैं। इसी तरह से नियॉन के भी होते हैं ऐसे कई समस्थानिक होते हैं। तो ये समस्थानिक हो गए। अब समस्थानिकों के गुण समझिए। समस्थानिकों के गुण तो समस्थानिक जो नाभिक होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर पाए जाते हैं इसलिए सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। दूसरा पॉइंट समस्थानिकों के जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वह भिन्न होती है अर्थात उनके भौतिक गुण समान नहीं होते और इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता केवल भौतिक प्रक्रिया द्वारा या भौतिक गुण के आधार पर इनको अलग किया जा सकता है जैसे विसरण विधि द्वारा आदि। दूसरा गुण यह है कि जो कुछ समस्थानिक होते हैं उनमें कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ स्थायी नाभिक होते हैं जैसे 6C12 और 6C14। इनमें 6C14 ये रेडियो एक्टिव होता है। इसी तरह से 11N23 और 11N24 ये दोनों समस्थानिकों में से 11N24 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो कुछ समस्थानिक रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग समभारी। समभारी या समन्यूक्लियोनिक कह सकते हैं। समभारी या समन्यूक्लियोनिक तो वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है परंतु इनका योग अर्थात जो परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है उनको कहते हैं समभारी। इनके भौतिक गुण समान होते हैं। तो समभारी में आपके आ जाते हैं जिनमें जैसे 1H3 2H3 ये समभारी कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक में 3 परमाणु द्रव्यमान संख्या 3 है दोनों की। इसी तरह से और भी समभारी हैं जैसे 8O17 है और 9F
17 ये भी संभारी होते हैं, तो इनको संभारी कहा जाता है, जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, सम न्यूक्लियोनिक भी कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक वो नाभिक होते हैं जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न होती है। तो सम न्यूट्रॉनिक में आपका आ जाता है आपका 1H3, 2HE4, 11NH2 और 12MG24। तो इसमें दोनों में 23 में 11 गए 12 न्यूट्रॉन है, इसमें 24 में 12 गए 12। तो ये जो है सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण हैं, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से नाभिकों का वर्गीकरण प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के आधार पर किया गया है। अब हम लोग इसी में नाभिकीय बल पढ़ते हैं। नाभिकीय, तो नाभिकीय बल क्या होते हैं? नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। तो ये नाभिकीय बल की परिभाषा है, नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगते हैं उनको नाभिकीय बल कहा जाता है। अब नाभिकीय बल की कुछ विशेषताएं हैं, तो नाभिकीय बल की एक विशेषता यह है कि नाभिकीय बल आवैद्युत बल होते हैं। नाभिकीय बल आवैद्युत बल होते हैं, अर्थात कूलाम के नियम का पालन नहीं करते। दूसरा है नाभिकीय बल अवृत्तीय बल होते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन नहीं करते। तो ये गुरुत्वाकर्षण अर्थात न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन नहीं करते। तीसरा है नाभिकीय बल लघु परावश बल होते हैं, नाभिकीय बल लघु परावश बल होते हैं अर्थात अत्यंत सूक्ष्म दूरियों तक प्रभावी होते हैं। दूरी बढ़ जाने पर नाभिकीय बल क्षीण हो जाते हैं, अत्यंत क्षीण हो जाते हैं और लगभग इनका प्रभाव, नाभिकीय बलों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो ये अलग परास बल होते हैं। और नाभिकीय बल विनिमय बल होते हैं, अर्थात न्यूक्लियनों के बीच कुछ कणों के विनिमय से, आदान प्रदान से उत्पन्न होते हैं। तो नाभिकीय बल विनिमय बल होते हैं। और नाभिकीय बल संतृप्त बल होते हैं, अर्थात जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियनों के बीच जो बल लगता है वो समीपवर्ती न्यूक्लियनों के मध्य लगता है, दूर के न्यूक्लियनों का एक दूसरे से कोई आकर्षण नहीं होता उनके बीच। और एक जो मेन पॉइंट है कि नाभिकीय बल जो होते हैं वो हमेशा आकर्षण बल होते हैं, जैसे वैद्युत बल होते हैं वो प्रतिकर्षण के बल होते हैं, लेकिन नाभिकीय बल हमेशा आकर्षण बल होते हैं। तो ये है नाभिकीय बलों के बारे में जानकारी। तो इस प्रकार से हम लोग इस नाभिक की संरचना के बारे में पढ़ा, नाभिकीय बलों के बारे में पढ़ा, द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में पढ़ा और एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं ये जानकारी की। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।